हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं वो छूट गए थे, वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। हर मॉडल के कुछ न कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं, कुछ न कुछ एडवांटेज हैं, वो इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो हम पढ़ेंगे। एडवांटेज हमने पहले पढ़ लिए हैं। देखो, हमने देखा था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो ये मॉडल था, इसका कहना था कि यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन निकल के आया था कि जो एटम है उसके अंदर एक होता है आपका न्यूक्लियस। एटम का मेजोरिटी ऑफ पार्ट है वो ब्लैंक था और उसके अंदर एक छोटा पार्ट है जहाँ पे उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो अवेलेबल है, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था। अब रदरफोर्ड जी का जो कहना है वो था कि इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। क्या बताया कि एक जो सेंटर पार्ट है इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर में अवेलेबल है, जिसको बोला गया न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात बता दी थी, ये बात प्रूव हो गई थी रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो इसके ड्रॉबैक्स थे वो क्या क्या निकल के आए। पहला ड्रॉबैक यहाँ पे था, इट नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहले जो आपने डोल्टन मॉडल पढ़ा, थॉमसन मॉडल पढ़ा, उसके अंदर भी ड्रॉबैक आपका था कि इट इज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब देखो इसने भी स्टेबिलिटी एटम की क्यों नहीं समझाई। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक वही यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है। देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट होकर के डायरेक्ट नाभिक में आ जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा, एंड जो एटम है उसका उसकी स्टेबिलिटी वो कम्प्लीटली क्लोज, यहाँ पे एटम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये बात है वो समझा नहीं पाया रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये बात नहीं प्रूव कर पाया। सेकेंड यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इट नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है एटम की वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से। देखो एक्सप्लेन तो किया, क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पे पॉजिटिव है इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सारे प्रोटॉन्स इसके सेंटर में अवेलेबल है जिसको न्यूक्लियस बोल दिया, और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात बताई, लेकिन फिर भी आगे चल के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस बात को गलत प्रूव किया, गलत डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सवेल की एक थ्योरी है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर कर रहा है तो इसको एनर्जी चाहिएगी। अब कितनी एनर्जी है इसके पास, मान लो आप हो, आप दौड़ते हो, लगातार दौड़ते रहो, कंटिन्यूअस दौड़ते रहो, लास्ट में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी एनर्जी है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगी और आप वहां पर गिर जाओगे। ठीक वैसा ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मैक्सवेल का जो लॉ था एनर्जी के लिए, उसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है वो नाकाम हो गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करता रहेगा और उसकी एनर्जी जैसे ही कंप्लीट होगी ये आकर के कहाँ गिरेगा, इस न्यूक्लियस में गिरेगा। तो जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई, स्ट्रक्चर है अगर ऐसी होती तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जो इसकी स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। और उसके बाद नील्स बोर का मॉडल आएगा आपका आगे, जो इसको प्रूव करेगा, और इसके बाद और भी आगे मॉडल आया, ठीक है, जो अभी तक आपके बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ड्रॉबैक समझ में आ गई। इसके जो तीनों कंक्लूजन थे कि मेजोरिटी ऑफ पार्ट है वो ब्लैंक है, बीच में सेंटर पार्ट है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं वो पता चल गया आपको क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम है, देखो एनर्जी का, हर एनर्जी का कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम होता है। जैसे आप एक्सरे करवाया होगा आप लोगों ने कभी, तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे ही एक्सरे रेज आती है तो आपकी बॉडी के अंदर से पास आउट आती है, तो उसका एक जो स्पेक्ट्रम है वो मिलता है आपको देखने को। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे रोटेट करेगा इसका भी एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम है वो भी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल नहीं था, जो हमने आपको याद होगा जिंक सल्फाइड की जो हमने स्क्रीन पुटअप करी थी उसके ऊपर इसका स्पेक्ट्रम है वो आना चाहिए था, लेकिन वो स्पेक्ट्रम भी यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक है रदरफोर्ड वाला, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसी वीडियो के अंदर हम आगे थोड़ा सा और कवर करेंगे। देखो नील्स बोर का जो एटमिक मॉडल है उसके ऊपर आ जाते हैं। देखो नील्स बोर का जो एटमिक मॉडल है वो इससे थोड़ा सा एडवांस था। थॉमसन ने ट्राई किया समझाने का एटम की स्ट्रक्चर को, नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड ने ट्राई किया लेकिन वो भी नहीं समझा पाया। उसके बाद में कौन आए, नील्स बोर, कि भाई इन दोनों ने नहीं समझाया, मैं समझाऊंगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे क्या बताया,
कि देखो इन्होंने कुछ अपनी जो शर्तें हैं कंडीशन है वो रखी। देखो पहले क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। इन्होंने क्या बता दिया सबसे पहली चीज कि न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, वही रदरफोर्ड की बात है उसको रिपीट किया कि न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन रोटेट करने के लिए वहां पे कंडीशन रखी गई क्या कि ये एक आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट्स। इसके चारों तरफ क्या बताए कि इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, ऑर्बिट का कोई जिक्र नहीं था। नील्स बोर ने क्या कहा कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसका पॉजिटिव चार्ज है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन से इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट करता है, ठीक है। पहली बात क्या बता दी नील्स बोर ने। सेकंड बात करते हैं कि ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के। क्या बात बताई, ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी है 10 जूल, कितनी है 10 जूल एनर्जी है, एनर्जी की जो जो आपकी यूनिट होती है जूल होती है पता होगा आपको, तो इलेक्ट्रॉन की मान लो एनर्जी कितनी है 10 जूल है, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए 10 जूल होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए इस ऑर्बिट के, तभी कोई इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 हुई तो इस ऑर्बिट के अंदर वो रोटेट नहीं कर सकता। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात क्या है, देखो नंबर ऑफ सेल्स को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी नील्स बोर ने बताया। यहां पे क्या बताया, एन इक्वल्स टू के एल एम एन, ठीक है, मतलब यहां पे फर्स्ट जो सेल है उसको हम बोलेंगे के, उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन। यहाँ पे इस तरह से आप नील्स बोर बताते गए कि जैसे फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगले वाले को एल से, फिर एम, फिर एन, और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है उसको 1, 2, 3, 4, जैसे यहाँ पे के है तो के इक्वल्स टू कितना लेंगे 1, फिर एल इक्वल्स टू कितना लेंगे 2, फिर एम इक्वल्स टू कितना लेंगे 3, एन इक्वल्स टू 4, ऐसे करके एन तक जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, ये बात बता दी नील्स बोर ने कि ऑर्बिट्स होते हैं इस तरह से आगे कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। इसका फॉर्मूला है वो आगे वाले में देखो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, क्योंकि 10th में हो अभी आप, तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए, अगले वीडियो में वो डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट क्या बताया, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना आ गया mvr। अभी मोमेंटम का ये मोमेंटम है वो कैसे निकल गया आपको पता होगा, 9th में मैंने बताया हुआ है। देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का सीधा सा फॉर्मूला होता है आपका p इक्वल्स टू mv। क्या होता है p इक्वल्स टू mv, p आपका मोमेंटम, m मास और v वेलोसिटी, m मास और v वेलोसिटी, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो मोमेंटम होता है। कहने का ये है कि मतलब अगर मैं दौड़ रहा हूँ, एक मैंने पत्थर उठा करके फेंका है तो उस पत्थर का जो मास है और मैंने कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका है, थ्रो किया है, उन दोनों का मल्टीपल क्या होगा उसका मोमेंटम। लेकिन जब कोई पत्थर अगर मैंने किसी धागे से बांध लिया है टाई करके और यहाँ पे इसको मैंने घुमाने लग रहा हूँ तो क्या होगा कि वो एक रोटेशनल वे के अंदर वो रोटेट, अब देखो मोशन कर रहा है, तो जो आर है, जो रेडियस है मुझे वो और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखो इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो इसका मोमेंटम निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इसकी जो ऑर्बिट की मतलब यहां से इस न्यूक्लियस से लेकर के जो रेडियस है वो, इन सब का मल्टीप्लाई इसका मोमेंटम होगा। तो क्या बताया नील्स बोर ने, चौथी बात क्या बताई, फोर्थ पॉइंट था mvr है मोमेंटम वो इक्वल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई के। h है वो यहां पे प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, और या फिर इसकी एनर्जी के मल्टीपल। कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के तो इक्वल होना चाहिए, मोमेंटम हो या तो h अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर और इट्स मल्टीपल, या फिर इसका मल्टीपल हो सकता है, यानी आपका फर्स्ट ऑर्बिट है 1 तो यहां पे इनटू में कर देता हूं 1, या फिर 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह से चार बातें जो नील्स बोर मॉडल है उसके अंदर बताई गई, इसके क्या क्या एडवांटेज रहे, क्या क्या डिसएडवांटेज रहे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बुक आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस वीडियो से या जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको दोबारा बार बार देखिए, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जो कहीं कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट में डालें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं वो इसको सीरियसली ले रहे हैं वीडियोज को, कुछ नहीं ले रहे हैं, सीरियसली लो, आराम से पढ़ाई करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके हेल्प के लिए बैठे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।